गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको हमारे इस नए ब्लॉग में। दोस्तों हम अभी अपने घर पे हैं, तो नहा धोवा के फ्रेश नाश्ता वास्ता हो कर लिए हैं। अब जाते हैं, चलते हैं गाड़ी के पास। और गाड़ी का थोड़ा सा काम है, जब गाड़ी खड़ी है तो थोड़ा उसका काम दिखा लेते हैं, छोटा मोटा काम है दोस्तों। तो चलते हैं, वीडियो में बने रहिए दोस्तों। ये गाड़ी हमारी खड़ी है, हम लोग अभी नीमपुरा में ही है। गाड़ी खाली करने जाना था लेकिन गए नहीं। एक दूसरी जो हमारी साहू जी की गाड़ी है, सुनील साहू, वो एक लाट का माल है, एक साथ ही जाने से गाड़ी खाली होगी दोनों। वो आने में लेट कर दिए, एक दिन हमसे पीछे चले थे। और मैं सोचा रात को आ जाएंगे, 11-12 बजे तक तो साथ में ही जाएंगे, लेकिन उनको आते आते खड़गपुर सुबह हो गया तो गाड़ी नहीं जा पाई दोस्तों। ठीक है, छोटा मोटा काम है, आज थोड़ा करा लेंगे। थोड़ा अभी मिस्त्री भी बिजी है, ये पास में उधर गैरेज है, तो मिस्त्री फ्री होता है तो फिर ले आके कराते हैं। वो सामने दोनों टायर का लाइन कराना है, पीछे वाला का तो हो गया है, सामने वाले का लाइन कराएंगे दोस्तों। तो अब चलते हैं, काम कराएंगे 3 बजे के बाद। तो ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं घर में, थोड़ा खाना वाना खाते हैं, उसके बाद आएंगे तो काम होगा। तो दोस्तों घर में आ गया हूँ और बड़ी गर्मी है यहाँ। उधर से महाराष्ट्र से गर्मी ज़्यादा है इधर, यहाँ गर्म ज़्यादा होता है क्योंकि हम लोग इंडियन ओशियन में हैं। ये जो बंगाल की खाड़ी जो है हिंद महासागर में आती है। तो ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, खाना वाना खाएँगे। और घर में दो रेबिट रखा हूँ, वो आपको दिखाता हूँ, बड़े बड़े हो गए हैं। डॉगी है देखिए, ब्लैक कलर का डॉगी कैसा सो रहा है, ये भी बड़ा हो गया। ये देखिए, ये दो रेबिट है और बड़े बड़े, इनका साइज बड़ा बड़ा हो गया है। बोलता हूँ इनको देखिए, उसमें से भागेंगे लोग। दोस्तों खाना खाने बैठ गए और ये देखिए, राइस, दाल, पापड़, सलाद और करेला की भुजिया है। तो खाते हैं दोस्तों, खाना खाने का भी 2 बजने वाला है, खाना का टाइम भी पार हो रहा है। करेला का भुजिया हमारा फेवरेट है। हाँ तो दोस्तों, शाम के 4 बजने वाले हैं और खाना वाना खा के आराम कर रहे थे। अब चलते हैं दोस्तों गाड़ी के पास, काम वाम कराना है गाड़ी का। 1-2 घंटा टाइम है, जब तक दिन है काम करा लेते हैं, ज़्यादा देर का काम नहीं है। तो चलते हैं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, हम आ गए अभी बॉम्बे रोड में, ये चाय दुकान में थोड़ा चाय पी लेते हैं। बगल में सरजू भाई बैठे हैं और उधर अख्तर मियाँ बैठे हैं, टायर वाले स्पेशलिस्ट। नहीं नहीं ठीक है, और वो चाय वाले भैया है और मैं, और ये हमारी गाड़ी। हम लोग चाय पी रहे हैं दोस्तों, चाय पी के फिर काम करवाते हैं। उधर जग लगाना पड़ेगा सामने, तो जग लगा के फिर लाइन मिलवाते हैं। वीडियो में बने रहिए दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, हम आ गए बिश्नुपुरिया स्टोर में और यहाँ हमको थोड़ा खाने पीने का सामान लेना है। हम लोग रात को निकलेंगे तो खाने पीने का राशन भी होना चाहिए। इधर आ जा। तो ठीक है दोस्तों, ले लेते हैं राशन खाने पीने की, क्यों वहाँ पर जाके 1-2 दिन गाड़ी खड़ी भी हो जाती है बनगाँव में, तो ले लेते हैं। यहाँ पे सामान पास में मिलता है, वहाँ पे बाज़ार थोड़ा दूर में है, जाना पड़ता है पैदल। तो ठीक है दोस्तों, लेके निकलते हैं यहाँ से। चावल लेना है और थोड़ा मसाला वसाला लेना है, आलू वलू लेना है और लेके। दोस्तों रात के 12 बज रहे हैं और हम लोग अब यहाँ से निकलेंगे, नीमपुरा से अब जाएँगे बनगाँव, गाड़ी खाली करने जाना है। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं, वीडियो में बने रहिए। दोस्तों हम अभी कोला घाट के देवलिया हाट पहुंच गए हैं। ये है देवलिया हाट बाज़ार और देखिए यहाँ चाय दुकान है। चाय दुकान में बहुत फूल, यहाँ फूल का भी मार्केट होता है। देखिए बहुत दुकानों में फूल टंगे हुए हैं, यहाँ फूल बहुत काफ़ी मात्रा में बिकती हैं। और ये गजरा जो फूल लगाते हैं ऐसे शौक से लोग, और वो साइड उल्टी साइड में हमारी गाड़ी खड़ी है। तो चाय पीने के लिए रुके सर, अभी थोड़ा रात के 2:20 हो रहे हैं तो कोलाघाट तक हम पहुंच गए हैं। अब चलते हैं यहाँ से, एक बार यहाँ से चलेंगे तो बाली में रुकेंगे, वहाँ चाय पियेंगे, उसके बाद सीधा पहुँच जाएंगे बनगाँव। तो ठीक है दोस्तों, चाय पी के निकलता हूँ
और देखिए ये दादा फूल सजा रहे हैं। यहाँ मतलब देवलिया हाट जो है वो फूल का मार्केट है। यहाँ पे फूल से हर एक किस्म का हर एक प्रकार के फूल आपको यहाँ मिलेंगे, माला मिलेगा, आप भी लेके लगा सकते हैं गाड़ी में या अपने घर ले जा सकते हैं सफ़र में है तो। देख लीजिए कितने प्रकार का फूल है यहाँ पे, सब माला बनाया गया है। ये माला लोग लेते हैं अपने सब फोटो पे, भगवान पे चढ़ाते हैं, मूर्ति पे। यहाँ पे बस भी बहुत रुकती है, अभी सुबह के टाइम में बस भी रुकेंगी, छोटी गाड़ियाँ भी रुकती है, और यहाँ सभी जगह दुकानों में फूल बिकता है। ये फूल मार्केट है ही, देवलिया बाज़ार जो है वो फूल मार्केट है। चलते हैं दोस्तों, अब जाएंगे बनगांव, और कल संडे है तो कल पार्टी वार्टी होगी, अब देखते हैं कल खाली होता है कि क्या होता है। संडे का दिन भी है, शक भी है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, तो गाड़ी लाइन में कुछ भी हो सकता, बोला नहीं जा सकता। तो ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, सुबह के 4 बज गया है। हाँ तो दोस्तों, हम लोग यहाँ अभी दमदम बाईपास में है, ये कलकत्ता में ये दमदम बाईपास रोड है, ये मेरे बैक साइड में ये दमदम जा रहा है, इधर बाली से आ रहा है सामने, तो हमारी गाड़ी ये है। हम लोग बाली टूल होके आ रहे हैं, अभी दमदम बाईपास होते हुए 12-7 होते हुए बनगांव जाएंगे, और ये यहाँ चाय दुकान है दादा का, देखिए छोटी सी। और दोस्तों यहाँ चाय मिलता है भाड़ में, तो इस चाय भाड़ का कमाल है, इसमें चाय पीने से बहुत माने टेस्ट बढ़िया होता है चाय का। तो चाय तो पीछे भी पिए थे लेकिन नहीं बोले यार चाय यहाँ पे पी के फिर चलते हैं, हम ड्राइवर यहाँ का चाय नहीं पियेंगे तो फिर सब्र नहीं होता है, माने संतुष्ट नहीं होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, चाय पी के चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम लोग चाय पी लिए, और ये है मोनू, सोनू सो रहा है गाड़ी में। जो आदमी सोता है रात को वो चाय नहीं पीता है, वो आराम से सोता है, जो जगता है वो चाय पीता है। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।